अब फ्रेंड्स कॉलम की जो क्रॉस सेक्शन है इसको भी मुझको यहाँ पर शो करना है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको शो कर दूंगा साइड पे। तो मैं यहाँ से देखिए मैं बाइलेयर ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करूंगा और हॉरिजॉन्टल ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। डिस्टेंस मैं ले लूंगा 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। फिर दोस्तों मैं ऑफसेट लूंगा, मैं लूंगा 20। अब फ्रेंड्स राइट क्लिक करके मैं टू पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में लाइन ड्रॉ करूंगा। फिर दोस्तों इन दोनों पॉइंट के बीच में लाइन ड्रॉ करूंगा। अब फ्रेंड्स मैं ऑफसेट लूंगा और यहाँ पर देखिए मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ, कलर मैं ले लूंगा मेजेंटा। ऑफसेट डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ 2.5 सेंटीमीटर की, मतलब 25 mm की, यहाँ पर ले लूंगा, यहाँ पर और यहाँ पर। ओके अब फ्रेंड्स देखिए मुझको यहाँ पर फिलेट लेना है, तो इसके लिए देखिए मैं राइट क्लिक करूंगा, फिलेट ले लूंगा और फिलेट रेडियस मैं ले लूंगा 0.8 और इनके बीच में मैं फिलेट ले लूंगा, यहाँ पे फिलेट ले लूंगा, यहाँ पे और यहाँ पर भी मैं फिलेट ले लूंगा। ओके अब फ्रेंड्स मुझको यहाँ पर मेन बार सेट करना है, तो यहाँ से देखिए मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ केन पे और यहाँ से देखिए मैं सिलेक्ट कर लूंगा सेंटर रेडियस और रेडियस मैं ले लूंगा 0.8 की। ओके और यहाँ पर देखिए मैं इसको प्लेस कर दूंगा। फिर दोस्तों मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, हैच ऑप्शन पे जाऊंगा, सॉलिड फिल ले लूंगा और ओके कर दूंगा। अब दोस्तों मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और राइट क्लिक करके मूव और कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, इसके सेंटर पे मैं स्नैप लूंगा और इस फिलेट की सेंटर पोर्शन में मैं इसको प्लेस कर दूंगा और कीप ओरिजिनल को रखूंगा और ओके कर दूंगा। फिर से दोस्तों मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, मूव और कॉपी और इसको देखिए मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ओके फिर से तो इस तरीके से मैं चारों कॉर्नर पे मैं बार को प्लेस कर दूंगा और यहां पर भी सेम तरीके से मैं इसको प्लेस कर दूंगा। ओके और इसके बाद मैं इसको कर दूंगा डिलीट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर हम लोगों ने किस तरीके से चार मेन बार को कॉर्नर पे ऐड कर दिया है। अब फ्रेंड्स यहां पर मुझको कंक्रीट की हैच डालना है, तो इनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, हैच के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए स्केल मैं ले रहा हूँ 1.2 और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने कंक्रीट की हैचिंग भी यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया है। ओके आप चाहे तो यहाँ पर कंक्रीट हैचिंग नहीं भी डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखिए मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से देखिए मैं लीडर ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और इस पॉइंट पे स्नैप लूंगा, रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। फिर दोस्तों यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। ओके अब मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा और टेक्स्ट में ले लूंगा 25 mm। ओके और फिर से यहाँ से जाके मैं हाइट ले रहा हूँ 1 और इसको देखिए मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। तो ये है दोस्तों 25 mm क्लियर कवर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, लीडर ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से देखिए मैं इस तरीके से एक लीडर फिर से बना लूंगा, टेक्स्ट पे जाऊंगा 16 mm मेन बार और पहले मैं लिख देता हूं 4 NOS। ओके और इसको देखिए मैं यहां पर प्लेस कर दूंगा। फिर से दोस्तों मैं राइट क्लिक करूंगा, लीडर ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और रिस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल, एंटर। अब दोस्तों मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा, टेक्स्ट मैं ले लूंगा 6 mm फाई बार एट द रेट।
18 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ओके। और इसको देखिए मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा 6 mm 5 R 18 mm सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पर देखिए मैं कॉलम की क्रॉस सेक्शन को ऐड किया हूँ। अब दोस्तों यहाँ से देखिए मैं हॉरिजेंटल ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर देखिए रेस्ट्रिक्ट हॉरिजेंटल को मैं ऑफ कर देता हूँ। लेंथ मैं ले लूँगा 10 और स्नैप पॉइंट मैं ले रहा हूँ एंड। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर दोस्तों मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए मैं वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और स्नैप पॉइंट मैं ले रहा हूँ एंड। यहाँ पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा, यहाँ पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ से देखिए मैं लीडर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा लीडर्स को। फिर दोस्तों मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा, यहां पर मैं ले लूंगा 20 सेंटीमीटर और यहां पे ऐड करूंगा और यहां पे ऐड करूंगा ओके। तो यहां पर जो कॉलम की जो क्रॉस सेक्शन है इसको हम लोगों ने ऐड कर लिया है। अब मैं इसको कर दूंगा डिलीट, इनको मैं कर देता हूं डिलीट ओके। तो 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर की आप क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम की ओके। अब फ्रेंड्स यहाँ से मैं राइट क्लिक करके टू पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन में ड्रॉ कर लूंगा। फिर दोस्तों टू पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं और एक लाइन को ड्रॉ कर लूंगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा स्नैप डिस्टेंस। अब दोस्तों मैं टाइप करूंगा CUT कट एंटर और यहाँ पर मैं डिस्टेंस ले लूंगा 1.2 और यहाँ पर देखिए मैं कट ले लूंगा और यहाँ पर भी मैं कट ले लूंगा और दोस्तों इसको मैं कर दूंगा डिलीट और इसको भी मैं कर दूंगा डिलीट ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने कॉलम की जो क्रॉस सेक्शन है ये हम लोगों ने शो कर दिया है। अब दोस्तों मैं इस फुटिंग की प्लान ड्रॉ करूंगा और दोस्तों यहाँ पर मैं रेनफोर्समेंट ऐड करूंगा। तो दोस्तों चलिए मैं इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए देखिए मैं कंस्ट्रक्शन लेयर पे चला जाऊंगा और दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं राइट क्लिक करके यहाँ से देखिए मैं वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। अब दोस्तों इस पॉइंट पे स्नैप लेके क्लिक करूंगा, इस पॉइंट पे स्नैप लेके क्लिक करूंगा, फिर दोस्तों इस पॉइंट पे स्नैप लेके क्लिक करूंगा और इस पॉइंट पे स्नैप लेके क्लिक करूंगा। अब फ्रेंड्स मैं राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और इस पॉइंट पे मैं स्नैप लेके क्लिक करूंगा। फिर दोस्तों मैं ऑफसेट लूंगा 100 सेंटीमीटर की और यहां पर मैं ऑफसेट ले लूंगा। अब फ्रेंड्स मैं ऑफसेट लूंगा 50 सेंटीमीटर की, तो इस मिडिल पे देखिए मैं स्नैप ले लिया हूं। अब दोस्तों फिर से मैं ऑफसेट लूंगा 10 सेंटीमीटर की दोनों तरफ ओके। अब फ्रेंड्स यहां पर मुझको लाइन सेट करना है तो यहां पर देखिए एक एक्स्ट्रा लाइन आ गया है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं ओके। तो मैं इस बार कॉलम लेयर पे चला जाऊंगा और राइट क्लिक करके यहां से देखिए मैं टू पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, फिर यहां तक एक लाइन, यहां तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा और यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा ओके। अब दोस्तों मैं इस कॉलम की क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और राइट क्लिक करके देखिए यहां से मैं मूव और कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और इस पॉइंट पे मैं रेफरेंस ले लूंगा ओके। अब दोस्तों इसको देखिए मैं यहां पर प्लेस कर दूंगा और कीप ओरिजिनल रखूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखिए यहां पर ये प्लेस हो गया है। अब दोस्तों मैं इसको कर देता हूं डिलीट ओके। अब दोस्तों देखिए मैं इन कंस्ट्रक्शन लाइन को डिलीट कर लूंगा ओके। अब फ्रेंड्स फिर से मैं कंस्ट्रक्शन लेयर पे जाऊंगा और यहां से देखिए मैं बाई लेयर को सिलेक्ट कर लूंगा। अब दोस्तों राइट क्लिक करके मैं वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और इस बार की सेंटर पॉइंट पे मैं स्नैप लेके लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां पर स्नैप लेके क्लिक करूंगा
यहां पर स्नैप लेके क्लिक करूंगा, यहां पर स्नैप लेके क्लिक करूंगा और यहां पर स्नैप लेके क्लिक करूंगा। ओके, तो यहां पर देखिए हम लोगों ने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहां पर मैं कॉलम लेयर पे चला जाऊंगा। अब दोस्तों मैं यहां से देखिए कलर को चेंज कर लूंगा रेड पे, और यहां से टू पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा, और यहां से देखिए यहां तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा। फिर दोस्तों यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां से यहां तक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां से यहां तक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां से यहां तक लाइन ड्रॉ करूंगा, सेम यहां से यहां तक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां से यहां तक लाइन ड्रॉ करूंगा। फिर दोस्तों यहां से यहां तक लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके, अब दोस्तों मैं इन कंस्ट्रक्शन लाइंस को कर दूंगा डिलीट। तो दोस्तों देखिए यहां पर हम लोगों ने वाई डायरेक्शन पे जो मेन बार्स है इसको हम लोगों ने डाल लिया है। अब दोस्तों एक्स डायरेक्शन पे हम लोग मेन बार को ऐड करेंगे। अब दोस्तों मैं इन बार्स को सिलेक्ट कर लूंगा और इसको भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब दोस्तों मैं यहां से सिलेक्ट कर लूंगा मूव एंड रोटेट। यहां पर देखिए स्नैप ले लूंगा और एंगल मैं ले लूंगा 90 डिग्री, और यहां पर देखिए मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए यूज करंट एट्रीब्यूट्स, यूज करंट लेयर, इसको मैं करूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखिए आप येलो कलर पे देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन पे भी जो मेन बार है ये आपका आ गया है। ओके, अब दोस्तों इन एक्स्ट्रा पोर्शन को मुझको ट्रिम करना है, तो इसके लिए देखिए यहां से मैं सिलेक्ट कर लूंगा ट्रिम को, और यहां पर देखिए मैं इनको कर लूंगा ट्रिम इस तरीके से। फिर से देखिए मैं ट्रिम को सिलेक्ट करूंगा, इनको भी मैं कर लूंगा ट्रिम। ओके, फिर से ट्रिम सिलेक्ट करूंगा, इनको मैं कर लूंगा ट्रिम, फिर से ट्रिम सिलेक्ट करूंगा, इनको भी मैं कर लूंगा ट्रिम। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं एक्स एंड वाई बोथ डायरेक्शन पे हम लोगों ने 15 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे हम लोगों ने बार्स को ऐड कर लिया है। ओके, अब फ्रेंड्स देखिए ये कॉलम से जो मेन बार आ रहा है 16 mm डायर की, तो ये देखिए दोनों तरफ देखिए 300 mm बेंड हुआ है। ओके, तो इसको देखिए मुझको यहां पर शो करना है, तो इसके लिए पहले मैं कलर को चेंज कर लूंगा केन पे। ओके, अब दोस्तों देखिए मैं लाइन ऑप्शन पे जाऊंगा और यहां पर देखिए मेरे पास ऑप्शन है रिलेटिव एंगल, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। एंगल मैं ले लूंगा 45 की और लेंथ मैं ले लूंगा 30 सेंटीमीटर। ओके, अब दोस्तों यहां पर देखिए मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास एक लाइन आ गया है, और इसकी सेंटर पॉइंट पे मैं स्नैप लेके क्लिक करूंगा, स्किप कर दूंगा। अब दोस्तों मैं टाइप करूंगा CUT कट, एंटर, और यहां पर देखिए मैं सेंटर पॉइंट पे कट ले लूंगा और इसको मैं कर दूंगा डिलीट। ओके, और इस लेंथ को मैं यहां पर आपको शो करता हूं कितना है। तो ये लेंथ आप देख सकते हैं दोस्तों 30 सेंटीमीटर की लेंथ है। ओके, अब फ्रेंड्स मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लूंगा और यहां से देखिए मैं मूव एंड रोटेट ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, और इस पॉइंट पे मैं स्नैप ले लूंगा, और देखिए एंगल है 90 डिग्री, और देखिए इसको मैं यहां पर प्लेस कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब दोस्तों देखिए फिर से मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, मूव एंड रोटेट, और इस पॉइंट पे स्नैप ले लूंगा और यहां पर मैं इसको प्लेस कर दूंगा ओके। अब दोस्तों फिर से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, मूव एंड रोटेट, यहां पर मैं स्नैप लेके क्लिक करूंगा और इसको देखिए मैं यहां पर प्लेस कर दूंगा ओके।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने प्लान व्यू को ड्रॉ कर लिया है बड़े आसानी से, और यहाँ पर मैं यहाँ पर जो बार्स है इसको मैं ऐड कर दिया हूँ। अब यहाँ पर आप एनोटेशन भी डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ से ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लूँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लान, ओके। और यहाँ से देखिए मैं इसको मैं ले रहा हूँ 5, ओके। और इसको देखिए मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर जो बार्स है इसको आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर देखिए 2 points ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से देखिए इस तरीके से मैं लाइन ले लूँगा रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अब फ्रेंड्स टेक्स्ट पे जाऊँगा, मैं यहाँ पर ले लूँगा 16 mm फाई बार एट द रेट 15 centimeter सेंटर टू सेंटर, ओके। और इसको देखिए मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा 16 mm 5 बार 15 centimeter सेंटर टू सेंटर। फिर दोस्तों यहाँ पे से मैं फिर से 2 points ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल को ऑफ कर दूंगा। अब दोस्तों मैं इस यहाँ पर मैं स्नैप लेके क्लिक करूंगा और रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। अब फ्रेंड्स फिर से देखिए मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा, अब मैं ले लूंगा 16 mm फाइबर, ये भी है दोस्तों सेम, और इसको देखिए मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, ओके। तो दोनों डायरेक्शन पे मेन बार को हम लोगों ने शो कर दिया है। अब दोस्तों ये है 300 centimeter की, तो इसको भी मुझको शो करना है। अब फ्रेंड्स फिर से मैं राइट क्लिक करके 2 points ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा और यहाँ पर मैं ले लूंगा टेक्स्ट पे जाके 30 centimeter, ओके। और इसको देखिए मैं यहाँ पर प्लेस कर लूंगा, ओके। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग लिब्रा कैड में किसी कॉलम एंड उसकी रेनफोर्समेंट को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों जरूर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।